किरण की रसोई से मैं आपका स्वागत है। गणेश जी के भोग में लगने वाला उनका सबसे पसंदीदा भोग मोदक, ये आप घर पर कैसे बनाएं ये सिखाने वाली हूँ। आइए मोदक बनाना सीखें। आवश्यकता होगी, चार पैकेट हमने ओरियो के बिस्किट के ले लिए हैं क्योंकि एक बिस्किट के पैकेट में पांच बिस्किट हैं, तो ऐसे करके हमारे पास 20 बिस्किट हो गए हैं। 1/4 कप हमने मलाई ले ली है, 2 टेबल स्पून हमने नारियल का बूरा ले लिया है। हम इन बिस्किटों को निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम इन बिस्किट्स की क्रीम अलग कर लेंगे। ये चॉकलेट क्रीम मुझे मिली है, अगर आपको व्हाइट क्रीम मिलती है तो बहुत अच्छा है, 2-in-1 बन जाएंगे इसमें। इनको हम अलग कर लेंगे। पहले क्रीम अलग कर लिए, अब इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। इस तरीके से छोटे टुकड़े कर लेंगे हाथ से, इसके इस तरीके से छोटे टुकड़े कर लिए। अब इसको हम मिक्सी जार में बारीक पीस लेंगे। हमने बिस्किट्स को बारीक पीस लिया है मिक्सी जार में और इसको हम छानेंगे। छानने से ज़्यादा स्मूथनेस और एक जैसा अपना डो बनेगा, तो इसको छान लेंगे हम छलनी से। इस तरीके से छान लेंगे। बिस्किट के मिश्रण को हमने अच्छे से पीस के छलनी से छान लिया है और बहुत अच्छा बारीक हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मलाई को मिलाएंगे। अभी आपको ड्राई ड्राई सा लग रहा है ये, लेकिन जब हम इसको हाथ से करेंगे तो ये पूरा एक जैसा हो जाएगा। ये हमारा डो बन करके तैयार है। ये देखिए इस तरीके से अच्छा डो बन गया। अब इसको थोड़ा सा शाइनिंग लाने के लिए हाथ में हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और घी के हाथ से इस डो को हम अच्छे से इस तरीके से गोंथ लेंगे, तो इससे इसमें शाइनिंग आ जाएगी अच्छे से। ये हमारी बिस्किट की क्रीम है, इसको हम चम्मच से थोड़ा सा इस तरीके से पेस्ट जैसा कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा हम नारियल का बूरा मिलाएंगे। अब हम थोड़ा सा हाथ से इसको रब कर लेंगे ताकि चॉकलेट वाली जो क्रीम है हमारी बिस्किट की वो और जो खोपरा है वो दोनों एक साथ हो जाएं। ये हमारा एक साथ हो गया। अगर आपको गीला लगे उस हिसाब से आवश्यकता अनुसार आप इसमें खोपरा डालते जाएंगे। हमने 2 टेबल स्पून खोपरा लिया है। अब इसकी हम छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। स्टफिंग की बॉल्स बन गई है, इसको हम साइड में रख देते हैं। ये तो हमारी हो गई एक स्टफिंग। दूसरी स्टफिंग देख लीजिए, वो ब्राउन कलर की है और वाइट। जब हम ब्लैक कलर के डो से हम मोदक बनाएंगे तो उसके अंदर हम वाइट कलर का डो भरेंगे स्टफिंग में, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा नारियल का बूरा ले लिया है। इसमें हम कंडेंस मिल्क मिलाएंगे और इस तरीके से हम एक अच्छा पेस्ट जैसा बना लेंगे इसको। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स बादाम वगैरह भी डाल सकते हैं, बच्चों को ये बहुत ही पसंद आता है। ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है।
अब हम दोनों स्टफिंग से मोदक बनाएंगे। अब हम मोदक बना लेते हैं। सांचा ले लिया, सांचे में हम इस डो को इस तरीके से ओवल शेप में इजीली जैसे इसमें जाए इस तरीके से भर देंगे। भर करके हाथ से या किसी चम्मच की सहायता से हल्का हल्का प्रेस करते हुए आप इस तरीके से होल बना लेंगे। ये होल बन गया। इस होल के अंदर हम अपनी स्टफिंग भरेंगे, अंदर अच्छे से प्रेस करेंगे लास्ट तक ताकि मोदक का शेप अच्छे से बने। अभी हम इसमें वाइट स्टफिंग भरते हैं। स्टफिंग हमें बहुत ज़्यादा नहीं भरनी है, थोड़ी भरनी है और फिर से इसको हम कवर कर देंगे इस तरीके से और अच्छी तरीके से कवर करेंगे। अब इसको हम निकालेंगे। बिल्कुल धीरे से तो इस तरीके से हमारे मोदक बन जाएंगे। अब दूसरी स्टफिंग भरेंगे इसमें। हम स्टफिंग भर रहे हैं सांचे में। पहले ये बिस्किट वाला जो मिश्रण है इसको भर रहे हैं इस तरीके से उंगली से दबा रहे हैं और इसमें अब ये चॉकलेट वाली जो स्टफिंग है इसको हम भर देंगे और फिर इसको अच्छे से कवर कर देंगे। कवर अच्छे से करना है हमें और बहुत ज़्यादा दम लगा के भरना नहीं है और बहुत सारा स्टफिंग नहीं भरना है, थोड़ा थोड़ा ही भरना है। और ये देखिए इस तरीके से हमारा बहुत ही सुंदर मोदक बन जाएंगे। हमारे मोदक बनकर के तैयार हैं, बहुत ही अच्छे मोदक बने हैं। अब इस पर हम थोड़ा सा डेकोरेशन और कर लेते हैं, ऐसे सिल्वर बॉल्स लगा लेंगे। हमारे मोदक बनकर के तैयार हैं, आप इसको इस तरीके से डेकोरेट करें। ये हमारे पास बिस्किट की जो स्टफिंग की क्रीम बच गई थी उसको हमने इस तरीके से शेड में लगा लिया और आप इस तरीके से भी डबल शेड में भी आप मोदक बना सकते हैं। जो भी आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं आप ज़रूर दिखाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मोदक कैसे लगे।